तो बच्चा का पालन पोषण करे लगली मैया। कोई गांव में नौकरी चाकरी करके बच्चा के लायक बने लिखिन बड़ा भै गेले, गांव में पढ़े लिखिन लिखनखिन, जब दसवां पास कह गेले तो बाहर भेज दिल के बेटा, कल के बेटा जो तोरा खतरा ई गांव में हम मजदूरी करबे बेटा, लेकिन तू तो यहाँ से चल जा बाहर। बाहर गिलखिन पढ़लखिन ओकिल बन लखिन बेटा हुनकर, ध्यान देवे बेटा हुनकर ओकिल बनले ओकालत करी है, तब तक मैया वृद्ध भ जाए छे। वहां से पत्र आवे छे तो गांव के लोग पढ़लखनी कलखनी भाई उजे मासो मैत भेले हुनकरे बेटा छी, बहुत सुंदर बात छे, नौकरी भ गेले। मेरी बहन जी है, बहन जी की तरफ से 101 रुपये की दान है। ये है किशनदेव कुमार को माता जी, इनकी तरफ से 101 रुपये की दान है। मालिक इसी प्रकार सुख और शांति को दान दें, मन की कामना को पूरी करें। फिर बहन जी की तरफ से 51 रुपये की दान है मालिक के दरबार में। बहन जी की तरफ से 10 रुपये की दान है। हे भगवान, हे गुरुदेव, भक्तों के ऊपर अपार कृपा बरसाएं, भंडार को कभी खाली ना रखें मालिक। जो इस दरबार में, इस ग्राम में जो साधु संत आवे, अतिथिगण आवे, सभी को मन और तन से सेवा सत्कार करेंगे हमारे भक्त लोग। प्रेम से बोले सदगुरुदेव की, भक्त बक्सल भगवान की जय। ओ मैया के देख ली गई बेटा को, उनका बेटा का जो फोटो, तो माए बड़ी खुश भ गेले, कल की आ तोरे बेटा छियो, कल की हाँ हाँ बाबू, हमरे बाबू छी, हमरे बाबू। माय के इतना दिल खुश भ गेले जकर कहना मुश्किल है। मैया सोचलखिन अब तनि हम बेटा से मिल आबै छी, ढेर दिन भ गेल, तनि हम बाबू के शक्ल देख ले। माय चल दिल की लाठी के सहारे, तब तक में ई बाल पक गेले, आंख के रोशनी कुछ कम भ गेल, चले से लाचार भ गेलखिन लाठी के सहारे। माँ बेटा के पास गेलखिन तो बेटा हुनकर ओकालत करिए, बहुत सुंदर इंग्लास पर बैठल छथिन, दोनों तरफ स्टाफ है। जब मैया वहां पहुंचे छथिन तो कलखिन बाबू ओकिल साहेब वो हमर बेटा भेलखिन, तनि हुनका कहू इन्हे ताके के लिए। जो हुनकर रहे स्टाफ ओकिल साहब से कहलखिन, ओकिल साहब देखिए ना बाहर एक बूढ़ी माँ आई हुई है और इशारा कर रही है जो वो मेरा बेटा है, जरा इधर दिखाइए, मैं अपना बेटा को आज मैं जी भर में देखूं। देखिए ओकिल साहब कहा क्या कहता है, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है, ए मूर्ख तुम्हारा माँ है, ये माँ को बलिहारी है, माँ की कृपाओं से आज तुमने ओकालत करता है ओकिल बना है, यदि माँ के आशीर्वाद माँ की कृपा ना होते तो आज तुम ओकालत नहीं करता। लेकिन सोचा ओकिल साहब यदि हम कहेंगे जो मेरे माँ है तो ये सब क्या सोचेगा, हम कितने उच्च पद पर हैं, यदि कहेंगे माँ है तो ये लोग ताना मुझे मारेगा, कहेगा देखिए ओकिल साहब की माँ जैसे पगली रहती है उसी भेष में है। अपने मान और सम्मान को बढ़ाते हुए ओकिल साहब क्या कहा, अरे पागल वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो कब को मर चुकी थी, देखिए क्या कहता है, मेरी माँ कब को मर चुकी नहीं है, भगाओ कहां से ना जाने भटकते पगली आ गई है और कहती मेरा बेटा है।
कर्मचारी आया, कहा बूढ़ी अरे तुम जाओ यहां से। वकील साहब तो कहा मेरी माँ कब को मर चुकी है। मैया ने कहा क्या कहा मेरा बेटा। कर्मचारी कहते हैं जाओ। वकील साहब कहा जो मेरे माँ नहीं है, मेरी माँ कब को मर चुकी है, जाओ तुम यहां से। माँ को धक्का मार कर अलग कर दिया और माँ पृथ्वी पर धराम से गिर जाती है। आंख से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान मालिक यदि मैं इतना जानती थी ना ये नालायक निकलेगा पापी तो मैं अपने पति को साथ में जल जाती, तुम आज मैं सती बन जाती, सती बन जाती। लेकिन ये पापी के कारण मैं अपने समाज के बीच में अपने जवानी को मैंने बिता दिया। भगवान आज यह दिन को देखना पड़ता है। माँ रो रही है, रो रही है माँ। लड़खड़ाते हुए मैया लड़खड़ाते हुए चल देती है बीच चौराहे पर, धराम से गिरी और उसी जगह माँ अपने जीवन लीला संपन्न कर देती है। उतना ही देर में लोगों की भीड़ लग गई। चौराहे पर है मेन रोड, चारों दिशाओं से लोगों ने आते हैं, देखते हैं क्या देखा। सफेद साड़ी पहनी हुई है, मांग में सिंदूर नहीं है, हाथ में चूड़िया नहीं है, वृद्ध है मैया। समाज लोग देखा कहा ये कोई नहीं है, चलो हम सब मिलकर माँ को दाह संस्कार कर देते। उतने देर में ओकल साहब को गाड़ी आ रही है, जो वकालत कर रहा था मैया कुछ बेटा था, कहा मेरे माँ नहीं है। वकील साहब गाड़ी लेकर जा रहे थे, कहे देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है, रोक दिया गाड़ी को और उतर के गाड़ी से और चलाओ सभी को हटा कर, जरा मैं चलकर मैं देखता हूं। देखा ये तो मेरी माँ है। माँ को देह पर धराम से गिरा और आवाज आ रही है अरे पापी तूने उस समय कहा मेरी माँ नहीं है, अभी तुम कहता है मेरी माँ है। पापी तुम मर जाता पहले तो वही अच्छा होता ना। सभी को कहा भाई आज तो मैं पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मेरे माँ को मौत जो हुआ है केवल मेरे कारण, ये मेरी माँ है। यदि ऐसी बात मैं अपने माँ को नहीं कहती तो आज मेरी माँ जिंदा रहती मेरे बीच, लेकिन मेरे कारण मेरी माँ जीवन लीला संपन्न कर दे। मैं पापी हूं, मैं हत्यारा हूं, अब मैं इस धन और संपत्ति लेकर मैं क्या करूं। माँ को दाह संस्कार कर दिया और बेटा उसी दिन से बड़ाग धारण कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।